हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है बिल्कुल स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है। अगर एक स्क्वायर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल एक स्क्वायर का आपको शेप नज़र आएगा। तो कुछ इस तरह की हथेली की शेप है जो बहुत ही मेहनती नेचर को शो करती है, और जो इनकी फिंगर्स की लेंथ है वो यहाँ पर मीडियम साइज्ड फिंगर्स हैं। क्योंकि हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर हथेली के साइज़ को और मध्यमा उंगली को, तो अगर यहाँ पर दोनों की लेंथ लगभग एक समान है तो मीडियम साइज्ड फिंगर्स मानी जाती हैं। और इस साइज़ की फिंगर्स के लोग जो होते हैं ना ही बहुत ज़्यादा एनालिटिक होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा हेस्टी होते हैं, जल्दबाज होते हैं। तो बहुत अच्छी यह जो फॉर्मेशन है फिंगर्स की रहती है। तो मीडियम साइज्ड फिंगर्स होने के साथ साथ काफ़ी अच्छी एनर्जी और स्टैमिना यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। फिंगर्स की जो शेप है उनसे आप देख सकते हैं जो इनके बेस फैलेंजेस हैं काफ़ी क्लियर हैं, थिक हैं, अच्छी एनर्जी रहेगी, स्टैमिना रहेगा, सीधी रेखाएं काफ़ी सारी इनके बेस फैलेंजेस के ऊपर मैं देख पा रहा हूं। आप देख सकते हैं यहां पर कुछ इस तरह की सीधी रेखाएं हैं जो शो करती हैं फ्रेंडली टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर हम लेंथ की बात करें तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर इनकी जो सूर्य फिंगर है और जो गुरु फिंगर है लगभग ये एक समान दिखाई दे रही हैं। तो दोनों ही तरह की क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी, सूर्य की तरफ से मिलने वाली क्रिएटिव क्वालिटीज़ भी इनके अंदर रहेंगी, और जो गुरु की तरफ से मिलती हैं हमें लीडरशिप टाइप की क्वालिटीज़ और अच्छी फैमिली लाइफ, वो सभी क्वालिटीज़ इनको यहाँ पर यह फिंगर्स प्रॉमिस कर रही हैं। और अगर हम बात करें शनि की तो शनि फिंगर की जो फॉर्मेशन है काफ़ी अच्छी, बिल्कुल स्ट्रेट है, हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर रहेगी और काफ़ी लाभ भी इनको शनि की तरफ से मिलने वाला है। अब चेक करते हैं इनकी मर्करी फिंगर को। अगर आप देखें आपको नज़र आएगा जो मर्करी फिंगर है यहाँ पर वो इनके सूर्य फिंगर के फर्स्ट फैलेंज को क्रॉस कर रही है, काफ़ी अच्छी लंबाई में है। बेशक उसका मर्करी फिंगर का जो सबसे नीचे वाला फैलेंज है बहुत उसको कम स्पेस मिल पा रही है, लेकिन ओवरऑल लेंथ में ये फिंगर काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस तरह की लेंथ होना मर्करी फिंगर का व्यक्ति के अंदर अच्छे कम्युनिकेशन तो व्यक्ति को देता ही है, साथ ही साथ जो कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी है वो भी अच्छी रहती है, और बिजनेस माइंडेड होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि ऐसे लोग बिजनेस करें ही, लेकिन मनी मैनेजमेंट इनको काफ़ी अच्छा आता है, और इसी वजह से ये लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए काफ़ी सारा पैसा भी अपनी लाइफ में इकट्ठा कर लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं फिंगर्स के बाद इनके माउंट्स किस तरह से सेट हैं, और उसके बाद हम लाइंस को भी देखेंगे क्या क्या प्रॉमिस कर रही हैं इनके हाथ में जो इनकी लाइंस हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से इनके फिंगर्स की सेटिंग है इनके हैंड में। तो सबसे पहले तो ये लाइन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की लाइन बने, जिसमें से कोई भी माउंट मुझे लो सेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन है यहाँ पर इस लाइन की, सारे के सारे माउंट्स मुझे काफ़ी अच्छे हाई सेट दिखाई दे रहे हैं। और चलिए सबसे पहले अब गुरु माउंट को चेक कर लेते हैं। तो आपको दिखाना चाहूँगा गुरु माउंट के ऊपर कौन से चिन्ह हैं। सबसे पहले तो प्रोग्रेस का चिन्ह आप देख सकते हैं, जो ऊपर की तरफ बढ़ती हुई लाइन यहाँ से बिल्कुल गुरु माउंट के ऊपर तक पहुँचती हुई। ऐसी लाइन अगर एक स्ट्रॉन्ग लाइन हो तो बहुत बेनिफिट देती है, ये एक से ज़्यादा भी हो तो भी अच्छी रहती हैं, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लाइन्स हों जैसे ये लाइन आपको नज़र आ रही है तो ऐसी लाइन व्यक्ति को बहुत प्रोग्रेस दिलवाती है, गुरु की तरफ से बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, अच्छी नॉलेज व्यक्ति गेन कर पाता है, और नॉलेज के साथ साथ धन की कमी लाइफ में नहीं रहती, धन की जो इनकम है वो कहीं ना कहीं से होती रहती है, और लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं जैसे कि फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुख, ये सभी चीज़ें व्यक्ति को सहज ही मिल जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर गुरु वल्लया जैसी फॉर्मेशन, जैसे आप देखेंगे यह जो फॉर्मेशन है जो इस तरह की एक लाइन आपको नज़र आ रही होगी, कम्प्लीटली यह गुरु वल्लया तो नहीं, इसको दिशा रेखा भी पामिस्ट्री में कहा जाता है।
ऐसी लाइन व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलवाती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ती है, काफ़ी सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो गुरु की तरफ से हमें मिलते हैं। तो इस लाइन के होने से व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का रहता है और अच्छे कर्म करता है और लाइफ में काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचता है। तो यह जो दो चिन्ह हमने इनके गुरु माउंट के ऊपर देखे, ये बहुत ही बेनिफिशियल हैं, इनको काफ़ी प्रोग्रेस दिलवाने वाले हैं। ओवरऑल वैसे भी अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि इनका गुरु माउंट बिल्कुल उभरा हुआ है, जो प्रोमिनेंट ऊपर की तरफ उठा हुआ माउंट जिसको हम कहते हैं, उस तरह का माउंट है। और जो ट्राइरिडल है वो भी मुझे यहाँ सेंटर में बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो ट्राइरिडल जो ऐसे बारीक लाइनों से बनने वाला त्रिकोण होता है उसको हम ट्राइरिडल कहते हैं। तो यहाँ ओवरऑल गुरु इनका बहुत अच्छा है, मैंने बर्थ चार्ट में भी इनका गुरु चेक किया, एग्जॉल्टेड है, और एग्जॉल्टेड गुरु की जो सेम चिन्ह है वो भी यहाँ पर इनके हाथ में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं शनि माउंट को। शनि माउंट यहाँ पर एवरेज नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, थोड़ा सा जो ट्राइरिडल है वो भी हाई सेट है, लेकिन शनि रेखा को अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगी काफ़ी क्लियर शनि लाइन जो यहाँ पर शो करती है लाइफ में मिलने वाले कंफर्ट्स को। हर तरह के कंफर्ट्स ऐसे व्यक्ति की लाइफ में रहते हैं जिनकी शनि रेखा क्लियर हो, क्लियर कट हो और उसमें कोई भी फ्ला ना हो। तो स्ट्रगल थोड़ी रहती है, जिस तरह से शनि माउंट यहाँ पर थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है तो थोड़ी स्ट्रगल रहेगी, वीक इन द सेंस यहाँ पर काफ़ी सारी लाइंस का होना। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एक हल्का सा गर्ल ऑफ वीनस का चिन्ह बनता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर कुछ और भी लाइंस, और जो इनकी फेट लाइन है वो यहाँ आकर स्टॉप हो रही है और ओवरलैपिंग के साथ दूसरी लाइन आगे बढ़ रही है। तो यहाँ इस वजह से थोड़ी स्ट्रगल रहती है, थोड़े से अप एंड डाउन रह सकते हैं, लेकिन शनि की तरफ से भी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सूर्य माउंट की। तो सूर्य माउंट आप देख सकते हैं एक हल्की सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद है, हमने सूर्य फिंगर को भी चेक किया था, तो जो सूर्य फिंगर की लेंथ अच्छी है और यहाँ पर एक हल्की सूर्य रेखा मौजूद है, उतनी डीप नहीं है जितनी यहाँ पर हमें गुरु माउंट के ऊपर जाने वाली रेखा दिखाई दे रही थी या इनकी शनि रेखा दिखाई दे रही थी, लेकिन मौजूद है, जो एक अच्छे सोशल सर्कल की तरफ इशारा करती है। अच्छा सोशल सर्कल रहेगा, नेम एंड फेम भी इनको मिलेगा, लेकिन एक एवरेज लेवल का, बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम की एक्सपेक्टेशन हम इस सूर्य रेखा से नहीं कर सकते। तो अच्छा रहेगा लाइफ में, अच्छी सोसाइटी रहेगी इनकी, और अच्छा सोशल सर्कल के साथ साथ जो इनकी क्रिएटिविटी है उसको भी पहचान मिलेगी। तो यहाँ पर सूर्य की तरफ से भी पॉजिटिव रिजल्ट्स रहने वाले हैं। बात करते हैं आगे मरकरी की, यानी बुध माउंट की। तो जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको दिखाना चाहूँगा कि बुध रेखा यहाँ पर किस तरह से मौजूद है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन इनके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से चलती हुई, जो एक शार्प माइंड की तरफ इशारा करती है। कुछ इस तरह की मरकरी लाइन का होना और दूसरा मरकरी माउंट के ऊपर भी खड़ी रेखाओं का होना व्यक्ति को एक एक्सपर्ट बिजनेसमैन बनाता है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि सीधे तौर पे ये लोग बिजनेस में जाएं ही, अगर यह किसी तरह की ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें ये एक्सपर्ट रहते हैं। इवन बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं या मेटल्स में करते हैं या कमोडिटीज़ में करते हैं, तो किसी भी चीज़ में ट्रेडिंग वगैरह ये कर सकते हैं। इनका मरकरी यहाँ पर स्ट्रांग है और मरकरी के ऊपर खड़ी रेखाएँ यहाँ पर मौजूद हैं जो इस माउंट को और भी प्रोमिनेंट करती हुई दिखाई दे रही हैं। यह माउंट इनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है वो किस तरह से चलती हुई, कुछ ऐसी ब्रांचेस के साथ हार्ट की लाइन बिल्कुल सीधी चलती हुई, जो यहाँ पर एक सीमियन लाइन जैसी स्ट्रक्चर बनाती हुई। लेकिन ये सीमियन लाइन नहीं है, क्योंकि अगर सीमियन लाइन मौजूद हो तो माइंड की लाइन नहीं होती। इनके हाथ में माइंड की लाइन भी काफ़ी क्लियर है। हार्ट की लाइन बिल्कुल सीधी होना, यानी कि बहुत कम इमोशंस होना, बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी इनकी नहीं रहने वाली। अगर कुछ इमोशंस हैं भी तो इस जो असिस्टेंट लाइन है जो यहाँ पर आपको नज़र आएगी कुछ इस तरह की हार्ट लाइन की, उसकी वजह से इमोशंस रह सकते हैं। अदरवाइज बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी, मटेरियलिस्टिक अप्रोच रहती है लाइफ के प्रति, क्योंकि शनि के नीचे से ये लाइन चलती हुई जो शो करती है कि काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अप्रोच रहेगी, डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, प्रॉपर्टी की, धन दौलत की, इन सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहती है। तो ओवरऑल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हार्ट की लाइन से, लेकिन प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी, बहुत ज़्यादा इमोशंस इनके अंदर नहीं रहने वाले।
आगे देख सकते हैं माइंड की लाइन, तो माइंड की लाइन यहां पर थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकती हुई, जो एक तरह से ड्रीमी टाइप की नेचर को शो करती है, आपको दिखाना चाहूंगा कंप्लीटली। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो इनकी माइंड की लाइन है नीचे की तरफ थोड़ा चलकर चंद्रमा एरिया की तरफ, और चंद्रमा एरिया के ऊपर फिश बनती हुई काफी क्लियर। इनके हाथ में आपको दिखाना चाहूंगा फिश के चिन्ह जो बनते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर, और इस एरिया में भी एक फिश का चिन्ह बनता हुआ। केतु एरिया के ऊपर, मून एरिया के ऊपर फिश का चिन्ह बनना यहां पर विदेश यात्राओं को शो करता है, फॉरेन ट्रेवल्स को शो करता है, फॉरेन सेटलमेंट और अर्निंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री, इन सब चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है। और ये ऑलरेडी विदेश में है और वहाँ पर अभी परमानेंट तो नहीं है शायद, लेकिन वहाँ पर परमानेंट होने की कोशिश में है। तो यहाँ पर यह चीज़ें ऐसे चिन्ह हैं जो इनको फॉरेन ट्रैवल करवा रही हैं और परमानेंट वहाँ पर सेटल करवा देंगी। और कुछ ऐसे ही जो लाइन है लाइफ की लाइन को अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा लाइफ की लाइन का बिल्कुल बाहर की तरफ चलना। अगर लाइफ की लाइन अंदर की तरफ मुड़ती तो ज़्यादा स्ट्रांग होती मुड़के, तो ऐसे लोग वापस आ जाते हैं अपने कंट्री में और वहाँ पर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह है यह शो करते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट होने की संभावना को, फॉरेन ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा रहेगी, वापस आ सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन परमानेंटली ये वहीं पर सेटल होने की जो इंडिकेशंस हैं इनके हाथ में से नज़र आ रही हैं। और उसके अलावा आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पर मनी ट्राइंगल बनता हुआ, इस तरह का मनी ट्राइंगल जो काफ़ी पैसा इनको देगा, धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे और अचानक धन लाभ हो सकता है, जिस तरह से केतु एरिया के ऊपर फिश का चिन्ह है। अच्छा मनी ट्राइंगल इनको बहुत सारा पैसा देगा और काफ़ी अच्छी लाइफ। वीनस यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है, उभरा हुआ वीनस हर तरह की ऐशो आराम लाइफ में देता है और लग्जरीज रहती हैं। और मून एरिया के ऊपर हल्की लाइंस बहुत सारी ट्रैवलिंग की तरफ इशारा करती हैं, काफ़ी ट्रैवलिंग इनको लाइफ में करनी पड़ेगी, चाहे वो जॉब के लिए हो चाहे वो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हो, तो ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा रहेगी। माइंड की लाइन थोड़ी सी नीचे की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, आपको जैसे मैंने बता रहा था, तो यह थोड़ी सी इमेजिनेटिव टाइप की पर्सनैलिटी को दर्शाती है। माइंड काफ़ी शार्प रहेगा लेकिन थोड़ी सी डे ड्रीमिंग इनके माइंड में रह सकती हैं। कुछ हल्की वरी लाइन्स हैं जिनकी वजह से चिंताएँ तो रहेंगी लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी प्रॉपर्टी ये बना लेंगे क्योंकि यहाँ पर मंगल रेखा भी मौजूद है, तो प्रॉपर्टी की भी इनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी प्रॉपर्टी भी इनकी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।